रात की घड़ी घर में रखने वाली या दीवार पर टंगने वाली घड़ी बेचने और रिपेयर करने का व्यापार, वॉच सेलिंग एंड रिपेयर बिजनेस करके कमाए मुनाफा। अगर आप ये सोचते हैं कि स्मार्टफोन के दौर में घड़ी का क्रेज कम हो गया है तो ये किसी हद तक गलत है, क्योंकि आज भी लोगों को अपने हाथ में सुंदर सी घड़ी पहनना बड़ा पसंद है। इतना ही नहीं, हाथ की घड़ी हो या फिर दीवार घड़ी, लोगों को अधिक पैसा लगाने में भी कोई एतराज नहीं होता है। बस शर्त ये होती है कि प्रोडक्ट अच्छी कंपनी का हो जो टिकाऊ हो। ऐसे में यदि आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी ले सकें या खुद ही रिसर्च करके अपनी शॉप और स्टोर में अच्छा प्रोडक्ट रख सकें तो ये आपके लिए काफी फायदे का सौदा होगा। चलिए जानते हैं कि घड़ी रिपेयर और सेलिंग शॉप खोलने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान देना पड़ेगा जिससे आपका बिजनेस हिट हो जाए। बिजनेस प्लान बनाएं। कभी भी कोई बिजनेस शुरू करने से पहले एक अच्छी सी योजना बनाना बहुत जरूरी है, चाहे वो वॉच सेलिंग का बिजनेस हो, रिपेयरिंग का बिजनेस हो या फिर किसी और चीज का बिजनेस हो। बिना सही योजना बनाए आप किसी भी बिजनेस को सफल बना ही नहीं सकते। इसलिए वॉच बिजनेस शुरू करने से पहले आप एक योजना तैयार कर लें और चीजों को बारीकी से समझें और उस पर कार्य करें। आपको अपने वॉच बिजनेस की योजना बनाने में इन चीजों को शामिल करना है। जब भी आप एक वॉच बिजनेस शुरू करें, अपनी योजना में इस चीज को जरूर लिखें कि बिजनेस को शुरू करने में कितनी लागत आएगी। बिजनेस में होने वाले खर्च इस चीज पर निर्भर करते हैं कि आप अपने बिजनेस की शुरुआत छोटे सिरे से करते हैं या फिर बड़े सिरे से। आपकी वॉच शॉप कितनी बड़ी होगी, आपकी वॉच सेलिंग की वेबसाइट में कितने पैसे लगेंगे, बिजनेस के प्रमोशन में कितने पैसे खर्च होंगे, ये सारी चीजें आपकी योजना के अंतर्गत आएंगी। वहीं आपको ये भी तय करना है कि बिजनेस में आपकी लागत के अनुसार आपको कितना प्रॉफिट होगा, आप अपने ग्राहकों से कितना शुल्क लेंगे, आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाभदायक कैसे बना सकते हैं, आपके बिजनेस का नाम क्या होगा इत्यादि। टैक्स के लिए रजिस्टर करें। जब आप एक वॉच सेलिंग या रिपेयर बिजनेस शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको विभिन्न प्रकार के कर या टैक्स चुकाने होते हैं, जैसे राज्य और संघीय कर इत्यादि। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। एक बिजनेस बैंक अकाउंट खोलें और क्रेडिट कार्ड लें। नया बिजनेस शुरू करने में आपको अलग से एक बैंक अकाउंट खोलने की आवश्यकता पड़ेगी जो आपके पर्सनल बैंक अकाउंट से अलग हो। साथ ही आपको बिजनेस के लिए एक अलग क्रेडिट कार्ड भी लेना होगा। ऐसा इसलिए ताकि आपका बिजनेस और पर्सनल चीजें अलग अलग रहें और कोई भी समस्या आने पर आपकी पर्सनल चीजें सुरक्षित रहें। बिजनेस में होने वाले खर्च को रिकॉर्ड करें। एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए आपको अपने बिजनेस में होने वाले खर्चों और बिजनेस से होने वाले मुनाफे को रिकॉर्ड करना चाहिए। इससे आपको इस बात की जानकारी होगी कि आपको बिजनेस में कितना प्रॉफिट और कितना लॉस हो रहा है। बिजनेस लाइसेंस या परमिट की आवश्यकता। वॉच बिजनेस शुरू करने में आपको स्टेट और लोकल बिजनेस लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए इसके बारे में आप जरूर पता कर लें। लाइसेंस की जानकारी के लिए आप अपने शहर, टाउन या काउंटी के क्लर्क ऑफिस में जा सकते हैं। यदि आपने आवश्यक लाइसेंस और परमिट नहीं लिया है तो आपके ऊपर भारी जुर्माना भी लग सकता है या फिर आपके बिजनेस को बंद कर दिया जा सकता है। इसलिए आप बिजनेस से संबंधित लाइसेंस और परमिट लेना ना भूलें। अपने बिजनेस का बीमा कराएं। अपने बिजनेस को सुरक्षित रखने के लिए केवल लाइसेंस या परमिट की जरूरत ही नहीं पड़ती, बल्कि बीमा कराना भी जरूरी होता है। बीमा कराने से आपको ये फायदा होता है कि बिजनेस में किसी प्रकार का नुकसान होने पर ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में आपकी हेल्प करता है। अपने ब्रांड को प्रस्तुत करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत आगे तक जाए तो आप लोगों को अपने ब्रांड के बारे में जानकारी दें। इसके लिए आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए आप कई रास्ते चुन सकते हैं, जैसे ऑनलाइन सोशल नेटवर्किंग साइट्स के द्वारा अपने ब्रांड का प्रमोशन करें। इसके अलावा टेलीविजन, न्यूज़पेपर, पैम्फलेट आदि के द्वारा भी आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बता सकते हैं। अपनी बिजनेस वेबसाइट बनाएं। आजकल ज्यादातर लोग अपना समय इंटरनेट इस्तेमाल करने में व्यतीत करते हैं। उन्हें किसी भी चीज की जानकारी चाहिए होती है तो वो इंटरनेट का सहारा लेते हैं। ऐसे में अगर आप भी अपने बिजनेस वेबसाइट बनाते हैं तो ये लोगों के बीच जल्दी प्रमोट होगी और आने वाले दिनों में आप ऑनलाइन बिजनेस करके काफी मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए अपनी एक बिजनेस वेबसाइट बनाना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप चाहें तो एक डेवलपर को हायर कर सकते हैं जो पैसे लेकर आपका ये काम करते। अपने बिजनेस को दें सही नाम। कहते हैं कि एक बिजनेस की सफलता में कहीं ना कहीं उसके नाम का भी योगदान होता है और ये बात काफी हद तक सही भी है। इसलिए आप अपने बिजनेस का नाम बहुत सोच समझ कर रखें। आपके वॉच बिजनेस का नाम ऐसा होना चाहिए जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे। नाम ऐसा हो कि उस नाम से ही लोगों को आपके पूरे बिजनेस के बारे में पता चल जाए। कस्टमर्स को दिलाएं भरोसा।
जब आप एक वॉच बिजनेस शुरू करते हैं तो आपको इसमें रातों रात सफलता नहीं मिलती। इसके लिए आपको अपने कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट सेल करना होगा और साथ ही अच्छी सर्विस भी देनी होगी। वहीं आपको अपने कस्टमर से एक अच्छा व्यवहार भी बनाकर रखना होगा, तब जाकर धीरे धीरे लोगों को आप पर और आपके द्वारा बेचे जाने वाले प्रोडक्ट पर भरोसा होगा और वो दोबारा आपके पास ही घड़ी खरीदने आएंगे। यदि आपने इन बातों को नजरअंदाज किया तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कोई भी कस्टमर ये नहीं चाहता कि वो पैसे देकर जो प्रोडक्ट खरीद रहा है उसकी क्वालिटी खराब हो। वहीं एक सभ्य कस्टमर आपसे बुरे बर्ताव की उम्मीद भी नहीं करता। वॉच सेलिंग या रिपेयर बिजनेस करने से आपको ये फायदे हो सकते हैं। हैंड वॉच की अधिक मांग। भले ही स्मार्टफोन में समय देखने की सुविधा उपलब्ध हो, लेकिन लोग आज भी अपने हाथों में लग्जरी वॉच लगाना पसंद करते हैं। वहीं घड़ी की अधिक मांग इसलिए भी हो रही है क्योंकि वह दिखने में सुंदर लगती है और सुंदर आभूषण के तौर पर पहनी जाती है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को कॉपी करते हैं, यानी उनके ड्रेसिंग सेंस की कॉपी, उनकी ज्वेलरी की कॉपी इत्यादि। इस प्रकार जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज अपने हाथों में लग्जरी वॉच पहनते हैं तो लोग उन्हें कॉपी करते हैं और खुद भी अपने हाथों में घड़ी लगाते हैं। लग्जरी वॉच महंगी होती है। यदि आप अपना एक वॉच बिजनेस शुरू करते हैं तो इससे आपको काफी मुनाफा हो सकता है, क्योंकि लग्जरी वॉच काफी महंगी होती है। वहीं अगर वॉच खराब हो जाती है तो इसको रिपेयर करने में भी आपको काफी प्रॉफिट हो सकता है। क्लासिक उपहार के रूप में खरीदी जाती है वॉच। हैंड वॉच लगाने का चलन हमेशा सही रहा है। आज भी जब लोग अपने सगे संबंधियों और प्रियजनों को तोहफा देते हैं तो वो तोहफे के रूप में उन्हें घड़ी ही गिफ्ट करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि घड़ी आपको समय दिखाती है और साथ ही दिखने में भी सुंदर होती है। इसकी खरीद साल भर रहती है। लोग त्योहारों, टीचर्स डे, मदर्स डे, होली, दिवाली, फ्रेंडशिप डे, वैलेंटाइन डे इत्यादि में गिफ्ट देने के लिए घड़ी खरीदना पसंद करते हैं। वॉच रिपेयरिंग में मुनाफा। वॉच लगाने के शौकीन जब अलग अलग प्रकार की वॉच का कलेक्शन अपने पास रखते हैं तो उनका इस्तेमाल करने में वॉच खराब भी हो जाती है, जिसे ठीक कराने के लिए वो वॉच सेलिंग या वॉच रिपेयर शॉप पर जाते हैं। इस प्रकार वॉच को ठीक करके भी काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।